नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक 18.95% मतदान हुआ है। इस चरण में 89 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जबकि दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा और तब 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। पहले चरण में कच्छ, सुरेंद्रनगर, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, नवसारी, वलसाड, भरूच, सूरत, तापी, डांग, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, गिर सोमनाथ की सीटों पर मतदान होगा। इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी, गुजरात के पूर्व मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी, 6 बार के विधायक कुंवर जी बावलिया, कांतिलाल अमृतिया, क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की पत्नी रीबाबा जाडेजा और गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया प्रमुख उम्मीदवार हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग शुरू होने के बाद कांग्रेस ने कम से कम 50 मतदान केंद्रों पर ईवीएम के काम नहीं करने की शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज कराई है। जहां ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है वो ज़्यादातर राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि हमने ईवीएम के काम नहीं करने की लिखित शिकायत की है और उन्हें बदलने में काफ़ी समय लग रहा है। हमने उन जगहों की सूची सौंपी है जहां ईवीएम काम नहीं कर रही है। लगभग 50 मतदान केंद्र हैं जहां ये समस्या आई है और उनमें से कई सौराष्ट्र में हैं, जिनमें जामनगर और राजकोट शामिल हैं। इन्हें जल्दी से ठीक किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक मतदान हो सके। गुजरात के अमरेली से कांग्रेस विधायक परेश धनानी विधानसभा चुनाव में वोटिंग के लिए साइकिल पर सिलेंडर लेकर घर से निकले। उन्होंने कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमतों, बढ़ती महंगाई का ध्यान दिलाने के लिए उन्होंने ये तरीका चुना है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी के लिए भाजपा को दोषी ठहराते हुए कहा, गुजरात में लगभग 3 दशकों के बाद सत्ता परिवर्तन और कांग्रेस की वापसी होगी। परेश धनानी ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि पूरा गुजरात भी इस मुद्दे पर वोट करेगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के लोगों से रोजगार, सस्ते गैस सिलेंडर, किसानों की कर्ज माफी और राज्य के प्रगतिशील भविष्य के लिए वोट करने की अपील की। हमेशा की तरह आज भी मतदान वाले दिन पीएम मोदी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये प्रचार वो दूसरे चरण के लिए कर रहे होंगे, लेकिन टीवी पर हर जगह छाने के कारण जहां मतदान हो रहा है उसको भी वो प्रभावित करेंगे, इसमें दो राय नहीं। पीएम मोदी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 16 विधानसभा क्षेत्रों पर प्रचार करेंगे। प्रचार के दौरान वो अहमदाबाद में 50 किलोमीटर का लंबा रोड शो करने वाले हैं। ये मेगा रोड शो नरोडा गांव से शुरू होकर गांधीनगर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। प्रधानमंत्री का रोड शो दोपहर 3:30 बजे शुरू होने की संभावना है और शाम 6:30 बजे तक चलने की उम्मीद है। बता दें, पीएम मोदी पहले भी ऐसा करते रहे हैं। जब किसी एक चरण की वोटिंग हो रही होती है तो वो उसी के पड़ोस में या कहीं दूर जाकर ऐसी कुछ गतिविधि करते हैं जिसका टीवी दिन भर प्रचार करता है। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले दौर की वोटिंग के दौरान पीएम मोदी ने दूसरे चरण के लिए चुनावी रैली करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने गुजरात के कलोल में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर कहा कि कांग्रेस पार्टी को तो राम सेतु से भी नफरत है। कांग्रेस में पीएम पद को नीचा दिखाने के लिए इस बात पर कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा गाली दे सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे गाली देने के लिए रामायण से रावण को लेकर आ गए। एक राम भक्त को रावण कहना गलत है। उन्होंने कहा कि लोग जितना कीचड़ उछालेंगे कमल उतना ही खिलेगा। देश के 8 प्रमुख कोर सेक्टर्स में वृद्धि दर अक्टूबर महीने में 20 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। अक्टूबर में कोर सेक्टर्स में उत्पादन में वृद्धि दर सुस्त पड़कर 0.1% रह गई है, जो 20 महीने का सबसे निचला स्तर है। इसका कारण कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों और सीमेंट के उत्पादन में कमी आना है। आधिकारिक आंकड़े के अनुसार एक साल पहले इसी महीने में बुनियादी उद्योगों यानी कोर सेक्टर्स की वृद्धि दर 8.7% रही थी, जबकि पिछले महीने सितंबर माह में ये 7.8% रही थी। एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद पत्रकार रवीश कुमार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया एक वीडियो संदेश के जरिए दी। रवीश कुमार ने कहा कि भारत की पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी था भी नहीं, लेकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था। भस्म युग से मतलब है कि इस पेशे की हर अच्छी बात तेज गति से भस्म की जा रही हो। प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे सम्मान पाने वाले पत्रकार रवीश कुमार ने कहा, ये दिन भी आना ही था। देश में अलग अलग नाम वाले अनेक चैनल हो गए हैं, लेकिन सब गोदी मीडिया ही हैं। उसका परिवेश, उसका इकोसिस्टम, माहौल सब खत्म कर दिया गया है, लेकिन पत्रकारिता करने और कराने का दावा भी सब कर रहे हैं।
खासकर वो भी कर रहे हैं जो सत्ता का हिस्सा माने जाते हैं, जिसकी ताकत से पत्रकारिता हर दिन कुचली जा रही है। रवीश ने कहा कि गोदी मीडिया और सरकार भी पत्रकारिता का अपना मतलब आपके ऊपर थोपना चाहती है। रवीश ने कहा कि मेरे आगे दुनिया बदलती रही, मैं टेस्ट मैच के खिलाड़ी की तरह टिका रहा, पर अब किसी ने मैच ही खत्म कर दिया, इसे T20 में बदल दिया गया है। जनता को चवन्नी समझाने वाले जगत सेठ हर देश में हैं, इस देश में भी हैं। अगर वो दावा करें कि आप तक सही सूचनाएं पहुंचाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि अपनी जेब में डॉलर रखकर वो आपकी जेब में चवन्नी डालना चाहते हैं। पत्रकार एक खबर लिख दे तो जगत सेठ मुकदमा कर देते हैं और फिर सत्संग में जाकर प्रवचन देते हैं कि वो आप पत्रकारों का भला चाहते हैं। आप दर्शक इतना तो समझते होंगे। रवीश ने कहा कि आज की शाम ऐसी शाम है जहां चिड़िया को अपना घोंसला नजर नहीं आ रहा है, शायद कोई और उसका घोंसला ले गया, मगर उसके सामने थक जाने तक एक खुला आसमान जरूर नजर आ रहा है। इस दौरान उन्होंने अपने सफर के बारे में भी विस्तार से बताया। जांच एजेंसी ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और MLC के कविता का नाम केजरीवाल सरकार द्वारा लाई गई और फिर वापस ली गई शराब नीति की जांच में शामिल कर लिया है। ईडी ने बुधवार को आबकारी नीति के मामले में कारोबारी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया। अमित अरोड़ा के बयानों के आधार पर ईडी ने दावा किया है कि कविता दक्षिण के एक ग्रुप की अहम सदस्य थी और इस ग्रुप ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। ईडी ने कहा है ये रिश्वत आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन विभाग के प्रभारी विजय नायर के जरिए दी गई थी। विजय नायर को भी आबकारी नीति के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में द कश्मीर फाइल्स को वल्गर प्रोपेगेंडा फिल्म बताकर विवादों में आए इजरायली फिल्म मेकर नवाद लपिड ने CNN न्यूज 18 के साथ बातचीत में कहा कि अनजाने में किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए वो माफी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो पीड़ितों में किसी का या उनके रिश्तेदारों का अपमान नहीं करना चाहते। वहीं हारिस के साथ एक साक्षात्कार में फिल्म निर्माता ने कहा कि उन्हें पता चला कि द कश्मीर फाइल्स को राजनीतिक दबाव के कारण प्रतियोगिता में शामिल किया गया था और उन्होंने महसूस किया कि इसके खिलाफ बोलना उनका कर्तव्य है। लपिट ने कहा कि इसलिए मुझे लगता है कि एक विदेशी के रूप में जो वहां जाता है, आपका दायित्व तो है कि आप उन चीज़ों को कहें जो वहां रहने वाले लोगों के लिए कहने में मुश्किल हो। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।